हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। और आज शुरू कर रहे हैं पेपर टू सोशियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक पेपर टू में। पेपर टू देखो एक बहुत ही जो हाई स्कोरिंग एग्जाम है पेपर टू में। कंसिस्टेंटली बहुत से हमारे स्टूडेंट्स और हमारे खुद के 150 स्कोर क्रॉस होता रहा है कंसिस्टेंटली, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो यहाँ पे नोट्स हैं जगह जगह से इग्नू प्राइमरली हमने फॉलो किया है। इग्नू के बियॉन्ड जैसे जगह जगह से छोटे छोटे टॉपिक्स उठाकर इंटरनेट से एंथनी गिडेंस की बुक भी हमें हेल्प करती है, और उसके सिवा जैसे कोई नोट्स हैं किसी के या कोई और किसी का कोई पेपर आया अखबार में, तो सभी से हमारा जो ये पूरा का पूरा ये एनरिच होता रहता है, ठीक है। तो आप भी अपने लेवल पर भी रिसर्च करते रहिए, ठीक है। जो टॉपिक मिलता है आपको कोई अखबार में आर्टिकल मिलता है तो उससे अपने पूरे नोट्स एनरिच करते रहिए, ठीक है। चलिए तो पेपर टू शुरू करते हैं। सबसे पहला जो A1 जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है A1, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि इंडिया को स्टडी किस किसने किया। इसमें तीन थिंकर के नाम आते हैं आपको, एक तो जीएस घुरे एंड जिन्होंने इंडोलॉजी पढ़ी, देखते हैं क्या होता है इंडोलॉजी। देन श्रीनिवास जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यूज किया, एंड देन देसाई ने मार्क्सिस्ट आइडियाज यूज करके इंडिया को स्टडी किया। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम इंडोलॉजी। तो यहाँ पर आप इंडोलॉजी में सबसे पहले जीएस घुरे जी का नाम पढ़ते हैं आप, तो और जीएस घुरे के बारे में बताऊंगा आपको मैं, इंडोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। और हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन और भी की है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं वो वीडियो दोबारा यहाँ पर आप सबके लिए अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं। शुरू के कुछ चैप्टर्स में होता है जहां पे आपको दिक्कत आती है, आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ता है, अदरवाइज काफी आसान है। जो पेपर टू इज क्वाइट ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो जैसे जीएस घुरे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी कहा गया। इन्होंने बताया कि इंडिया का कल्चर बहुत डायनामिक है और यूनिक है, ठीक है। यूनिकनेस पे ध्यान देना जरूरी है, यूनिक है, ठीक है। और इसीलिए यूनिक से होने से क्या होता है, वो कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया के तरह से स्टडी करना पड़ेगा। इंडिया को स्टडी करने के लिए हमें अलग टूल्स चाहिए होंगे और हमें अलग तरह से उसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए टर्म भी क्या निकालते हैं, इंडोलॉजी की, इंडिया की स्टडी, ठीक है। इंडो एंड देन लॉजी, इंडोलॉजी इज इंडिया की स्टडी। इसकी शुरुआत वैसे ओरिएंटोलॉजी की तरह से हुई थी कि जो पढ़ने आए थे बहुत सारे वेस्टर्नर्स इंडिया को या फिर इस सब कॉन्टिनेंट को, एंड इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, ओरिएंटोलॉजी। ओरिएंटल बोलते हैं ना हमारे इंडिया की तरफ वाले इलाके को, ओरिएंटोलॉजी नाम दे दिया था। लेकिन ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि यूनिक है इंडिया, तो इसलिए ओरिएंटोलॉजी जैसे थाईलैंड वगैरह के साथ इंडिया को स्टडी नहीं कर सकते, इंडिया यूनिक है इंडोलॉजी। जैसे अदरवाइज और बहुत सारी स्टडीज की, उन्होंने इजिप्ट को स्टडी किया उसको इजिप्टोलॉजी कह दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इंडोलॉजी आप बात समझ गए कि इंडिया यूनिक है, इंडिया को अलग तरह स्टडी करना पड़ेगा, अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एंड वेस्ट के लेंथ से इसको नहीं देख सकते हम, इंडोलॉजी नाम दिया, ठीक है। और इसको देखो लिटरली स्पीकिंग इंडोलॉजी क्या है, बोलते हैं कि हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज जो इंडिया की स्टडी करेंगे हम अकेडमिक तरह से। एंड उसके बाद क्या अजम्पशन यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी अजम्पशन कि इंडियन सोसाइटी कल्चर यूनिक है, ठीक है। और इसको हमें जो अगर हमें रियलिटी ग्रास्प करनी है इंडिया की, तो हमें हमें टेक्स्ट के थ्रू जाना पड़ेगा रादर देन वेस्टर्न वेज ऑफ स्टडिंग इट। अब जो वेस्ट ने हमें तरीके समझाए, जो सोशियोलॉजिस्ट वेस्ट की तरह से पढ़ते हुए आ रहे थे, उन वो कहते हैं वो सक्षम नहीं है, दे कैन नॉट रियली नो व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर। तो टेक्स्ट के थ्रू हमें, इंडियन टेक्स्ट के थ्रू हमें जानना पड़ेगा कि इंडिया में क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, और इंडिया में सोशियोलॉजी है क्या, सोसाइटी है क्या, इंडियन टेक्स्ट पढ़ के करना पड़ेगा, तो ठीक है। इसलिए जो इंडोलॉजी होती है काफी टेक्स्टुअल भी होती है, टेक्स्ट पे बहुत रिलाई करती है। जैसे पुरानी हमारे यहाँ पे किताबों को छानते हैं वो महाभारत रामायण से शुरू करके और वेरियस जो हिस्टोरिकल बुक्स, इवन के जो नॉवल्स लिखे गए और जो पुराने जितने भी बुक्स लिखी गई उसके थ्रू इंडिया की सोसाइटी को जानने की ट्राई करते हैं। तो इसलिए काफी हिस्टोरिकल, एक तो इंडोलॉजी काफी हिस्टोरिकल रहती है एंड काफी टेक्स्टुअल रहती है क्योंकि किताबों से जानते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, एपिक्स, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स और कोई टेक्स्ट मिल जाए, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इंडोलॉजिस्ट के आपको नाम दिए यहाँ पे, ठीक है। लुई दुमो पढ़ेंगे हम, कपाड़िया, प्रभु कारवे, सबके नाम पढ़ेंगे हम, ठीक है। देन विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, वहाँ कहीं ना कहीं नींव रखी गई इंडोलॉजी की, इंडिया को जानने की ट्राई कर रहे थे वो, एंड इसीलिए जो एम्फोसिस क्या था, अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी रादर देन रिफॉर्मिंग। रिफॉर्म करने नहीं आए थे वो, इंडिया को समझने आए थे। घुरे जी के बारे में जानते हैं, ठीक है। इंडोलॉजी के बारे में पता लगा आपको, इंडोलॉजी के बारे में हमने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है एंड वो आपको मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा, आई रिपीट। बाकी अभी फोकस करते हैं हमारे घुरे जी पर, ठीक है। घुरे जी क्या बोलते हैं, आ जाओ। तो घुरे को कहते हैं कि जो श्रीनिवास इनके स्टूडेंट थे वो बोलते हैं कि घुरे वाज डॉयन, डॉयन मतलब डीन, सबसे जो बड़े वाले प्रिंसिपल, जो खतरनाक वाले जो है ना वो कौन है, घुरे जी हैं। श्रीनिवास भी इस बात को मानते हैं, ठीक है। ही वाज अ जायंट, कहते हैं कि भाई महान आदमी थे वो, ओके। तो अब इनका ओवरऑल अगर आपको घुरे के बारे में कभी लिखना हो तो घुरे जी के बारे में तीन एस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखने हैं कि पहला
कि इन्होंने सोशियोलॉजी को प्रमोट किया एज अ सब्जेक्ट, किताबें लिखी है ना, खुद बहुत काम किया और बहुत सारे थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव लिखे, नई रिसर्च करी इन अलग टॉपिक्स में, एंड नेशनलिस्ट भी थे ये, ठीक है। देन पहला कि प्रमोटिंग सोशियोलॉजी, दूसरा इंस्टीट्यूशन बिल्डर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशो स्टार्ट करी एंड इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी बनाई, एंड उसकी माउथ पीस था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। बुलेटिन आपको ना, क्योंकि ये सवाल पूछ सकते हैं घुरे के पे शॉर्ट नोट लिख दो, तो आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी कि तीन तरह से उन्होंने सोशो का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एक तो सोशो प्रमोट करी, इंस्टीट्यूशन बनाए इंडिया में, एंड उसके बाद उन्होंने सोशोलॉजिस्ट बनाए, ठीक है, सोशो प्रमोट एंड सोशो इंस्टीट्यूट एंड सोशोलॉजिस्ट। श्रीनिवास कारवे, देसाई, जितने भी आप हाई फाई इंडिया में नाम सुनते सोशो के, सभी के सभी किसके स्टूडेंट रह चुके हैं, घुरे जी के स्टूडेंट रह चुके हैं। आगे देखते हैं, एंड इनकी जो पर्टिकुलर जो डॉक्टोरल थीसिस थी वो WHR रिवर्स करके एक हमारे बहुत ही फेमस अगेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनके अंडर एक टॉपिक क्या था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया में क्या बोलते हैं ये। एंड उसके बाद यहाँ पर ही क्या बोलते हैं कि कहते हैं इंडियन सोसाइटी वास्ट मेल्टिंग पॉट है, बहुत सारे कल्चर्स का, बहुत सारे वैल्यूज का, और इस और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहे यूनिफिकेशन का, सिंथेसिस का, एंड सोसाइटीज में आती गई, बनती गई, नई नई लेवल पे पहुंचती गई। इसीलिए हमें जो घुरे की राइटिंग में आपको एजेस के थ्रू दिखता है कि एजेस मतलब कि किस तरह से वेरियस एजेस में इंडिया कैसे कैसे आगे आगे बढ़ता गया, एंड किस तरह से इंडिया को इकट्ठा किसने रखा, क्या क्या फोर्सेस थी एंड क्या क्या तोड़ सकती हैं इंडिया को, उसके सबके बारे में बात करते हैं। अब इनकी अप्रोच बाकी इंडोलॉजिस्ट से डिफरेंट कैसे है, ये भी सवाल आपको पूछ सकते हैं। तो पहला, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैसे पुरानिक जो टेक्स्ट पढ़े वो संस्कृत के नहीं थे, वर्नाकुलर के भी पढ़े, कि ना वर्नाकुलर मतलब जैसे लेट्स से मराठी में कुछ लिखा गया, तेलुगु में, तमिल में, तो ऐसे मराठी भी उन्होंने बहुत फोकस किया क्योंकि महाराष्ट्र से ही थे। और उन्होंने बोला कि अगर मराठी के टेक्स्ट भी उठाकर देखें, हमें सोशियोलॉजी काफी हमारी रिच हो सकती है, हमें पता लगेगा कि पहले वाले टाइम में समाज कैसे हुआ करता था, ठीक है। पहली बात तो ये वाली है, इन्होंने जैसे क्या अपनी मराठी लिटरेचर वगैरह भी उठाकर देखा, वर्नाकुलर, बंगाली, मराठी। देन दूसरा, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, डिफ्यूजनिस्ट मेथड को ये फॉलो करते हैं कि कल्चर कैसे फैलता है, कल्चर कहते हैं डिफ्यूजन से फैलता है। डिफ्यूजन मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ किसी और कल्चर की आपके कल्चर में आ जाती है और आपके कल्चर के रंग में वो ढल जाती है। जैसे आपने कोई चीज़ किसी और कल्चर से सीख ली लेकिन अपनी तरह से मोल्ड कर लिया जो आपको सूट करता है, डिफ्यूजन, ठीक है। इसलिए ये समझते थे कि जो रियलिटी है वो डिफ्यूजनिस्ट है, और ऐसा नहीं है कि किसी एसिमिलेशन या फिर ऐसे ना ओवरऑल आप समझो जैसे मर्जी, कि ऐसा नहीं हो रहा कि कोई इंडिजेनस कोई आइडिया आया, हमने उसी पे काम करते गए और उसी के कारण अपने कल्चर को नया नया करते गए। कहते नहीं, आइडियाज बाहर से भी आते रहते हैं और आप आइडिया बाहर भी देते रहते हो, उसी से आइडियाज का जो तालमेल बनता रहता है एंड कुछ ना कुछ सोसाइटी में नया चलता रहता है, ठीक है। वर्ड याद रखो, डिफ्यूजनिस्ट है वो। एंड उनके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, ठीक है। प्लूरलिज्म का मतलब ये ऐसा नहीं कह रहे थे सिर्फ आपको यही मेथड है, जैसे लेट्स से पॉजिटिविस्ट फॉलो करना है, नॉन पॉजिटिविस्ट जैसे डरखाइम वगैरह बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि डॉगमेटिक नहीं है ये, कि हमें ना हमें डिसिप्लिन रहना है बस, ठीक है, और हमें अकेडमिक रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी ठीक लगता हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उससे काम कर लो आप, गेटिंग इट। तो डिसिप्लिन एक्लेक्टिसिज्म, ऐसा भी नहीं है कि आप डिसिप्लिन हो गए, क्योंकि डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है फॉर अ सोशियोलॉजिस्ट, कि जो उसको स्टडी कर रहे हैं उसके दायरे में कुछ डिसाइड करना जरूरी है। एंड एक्लेक्टिसिज्म मतलब अकेडमिक रखो, जैसे इनके अब वैरायटी देखो कि कैसे कैसे मेथड्स नई नई तरह यूज किए, जैसे फील्ड सर्वे किया सॉरी तो इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टडी है, सेक्स हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे एंड महादेव कोलीज। महादेव कोलीज आर ट्राइबल ग्रुप, इज अ ट्राइबल ग्रुप इन महाराष्ट्र। तो इन पे इन्होंने फील्ड सर्वे करके देखा, उसके बाद इन्होंने हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड यूज किया और अपने स्टूडेंट्स को भी बताया। तो ऐसे कभी टेक्स्ट में जा रहे हैं, कभी फील्ड में जा रहे हैं, तो इसलिए इन पे जो इल्जाम लगता है कि बहुत ही टेक्स्चुअल है, किताबों से ये जानना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है, किताबों के थ्रू कहते नहीं पता लगेगा, लेकिन हम वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं सर, इन्होंने फील्ड सर्वे भी किया है, सेक्स हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे, इनकी स्टडी बहुत फेमस है। देन उसके बाद थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म, कि इंडक्टिव भी यूज कर सकते हो, डिडक्टिव भी यूज कर सकते हो। इंडक्टिव मतलब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में क्या फर्क होता है, कि इंडक्टिव होता है कि बहुत सारी चीजें किसी तरह पॉइंट कर रही हैं तो वो चीज सही होगी, है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे, अच्छा ये चीज मुझे 10 जगह नजर आई तो मैंने कोई थ्योरी बना दी, है ना। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव होता है मैं कुछ अज्यूम करता हूं ऐसा हो रहा होगा, देन उसको जगह जगह अप्लाई कर देता हूं, डिड्यूस करता हूं, ठीक है। इंडक्टिव में इंड्यूस, इंडक्टिव में डिड्यूस, कि ओवरऑल आप ऐसा कि आप चाहे जहां पर सिचुएशन के हिसाब से, जहां इंडक्टिविज्म लगता है जहां पर डिडक्टिविज्म अकॉर्डिंगली लगाते रहिए, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, लेसाजे फेयर, कि नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए, कि किसी की कोई बहुत ज्यादा गाइड ना करे आपको ये करो वो करो, बस डिसिप्लिन रह के खुद अपना आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होनी चाहिए, अदरवाइज एक ही तरीका बताते रहेंगे तो नया कुछ कैसे निकलेगा, ओके। देन
इन्होंने जैसे अलग अलग तरह की एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने साथ साथ डालते रहे यहाँ पर, ठीक है, कि कहीं पर सर्वे किया और उसके बेसिस पर कि कैसे जनरलाइजेशन कर सकते हैं, छोटे सर्वे के बेसिस पे बड़ी जनरलाइजेशन एट्सेट्रा, है ना। एंड देन उसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इन्होंने जितना भी काम किया उनको 6 ब्रॉड एरियाज में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, इनके काम को। सबसे पहला उठाते हैं कास्ट, ठीक है, कास्ट हम दोबारा भी पढ़ेंगे कास्ट के चैप्टर में, जब बी टू है कास्ट का चैप्टर शायद, तो वहां दोबारा पढ़ेंगे। तो वहां पर भी इन्होंने काम किया, इनकी जो इनकी अप्रोच को हम बोलते हैं एट्रीब्यूशनलिस्ट अप्रोच। एट्रीब्यूशनलिस्ट अप्रोच क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि कास्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये कास्ट के कुछ पॉइंट्स बताएंगे एंड कहेंगे ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं कास्ट में, एट्रीब्यूट्स हैं कास्ट के, एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको किसी को ऐसे इंसान को बताना हो कि व्हाट इज कास्ट, आप बता पाओगे, क्योंकि आप कास्ट के एट्रीब्यूट्स बता दोगे कि सर ये देखो ये 5-6 एट्रीब्यूट्स हैं कास्ट के, ये होती है कास्ट, है ना। अदरवाइज लेट्स से अगर आपको किसी फॉरनर्स को समझाना हो कि अच्छा, वो पूछे आप उनको बोलो सर आई एम ब्राह्मिन ऑफ कास्ट, वो कहेंगे सर ये क्या मतलब है ना, फॉरनर पूछे आपसे कहेंगे ब्राह्मिन ऑफ कास्ट, आप कास्ट के बारे में बताना शुरू करोगे तो कास्ट कैसे समझाओगे, तो गोरे क्या बोलते हैं आपको एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे कास्ट के, कास्ट होती क्या है। तो इनकी किताब भी वही थी जिन्होंने जो पीएचडी की थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इन्होंने हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिकल सोशोलॉजिकल बहुत सारे चीजों पे इन्होंने जो स्टडी किया, एंड उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम आगे भी देखेंगे जिन्होंने स्टडी करी हैं। और उसके बाद आगे लेके चलते हैं इनकी कहानी को, कि अब इनकी जो कास्ट सिस्टम की स्टडी है वो हिस्टोरिकल है, कंपैरेटिव है एंड इंटीग्रेटिव है। हिस्टोरिकल तो जैसे क्योंकि इन्होंने पुरानी किताबों को झांक के देखा, कंपेयर किया कि क्या ऐसी कास्ट जैसी कोई चीज किसी और सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, इजिप्ट में इनको पता लगा इजिप्ट में भी ऐसा कोई सिस्टम था। एंड देन इंटीग्रेटिव, ऐसा नहीं करते कि आइसोलेशन में, अच्छा नॉर्थ इंडिया में ऐसी है साउथ इंडिया में ऐसी, इंटीग्रेटिव अप्रोच देते हैं कि ओवरऑल कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, कैसे हुआ, सॉरी है ना, हो रहा है तो नहीं बताते अभी, ये कैसे हुआ बताते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें जानने वाली क्या है, ये बोलते हैं जो ये कास्ट वाला जो सिस्टम सा है ये दुनिया में इसके पैरेलल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सोसाइटी में है ये, एंड ये बताते भी हैं कि इजिप्ट में है यहाँ पे ऐसा सिस्टम, कोई एग्जैक्टली सेम सिस्टम हुआ करता था। एंड किनशिप एंड कास्ट के बारे में और क्या बोलते हैं, ये किनशिप मतलब भाई बंधुगिरी, जो भाईचारा होता है आपके, जो भाई जो कौन से होते हैं जैसे मामा चाचा वगैरह सब आपके किन्स है ना, किन्स, तो ये क्या बोलते हैं किन्स एंड किनशिप एंड कास्ट सिस्टम जो था ये इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क है, ठीक है, कि इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क मतलब कि ये सोसाइटी को बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, एंड ओवरऑल ये ऐसा भी पर्सपेक्टिव है इनका कि ये पूरी की पूरी ओवरऑल जो कास्ट को समझने का एक टोटल पर्सपेक्टिव भी है, कि ऐसा आइसोलेशन वाला पर्सपेक्टिव नहीं है कि कास्ट नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के अलग अलग पढ़ रहे हैं हम, ये ओवरऑल टोटल अप्रोच देते हैं। एंड कैसे ये इसको इसीलिए बहुत जरूरी समझते हैं कि ये देश को जोड़ के रखता है, कि कास्ट सिस्टम देश को जोड़ के रखेगा, क्योंकि एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो इंटरडिपेंडेंस भी आ गई है। तो अब यहां पर अब आप ये फीचर्स हमेशा ही याद रखना, ठीक है, फीचर्स बहुत जरूरी हैं। एक तो सेगमेंटल डिवीजन हायरार्की है ना, कि कास्ट में सेगमेंट्स होते हैं कि अलग कास्ट के, अच्छा ये वाली कास्ट अलग, ये वाली कास्ट अलग, उसमें हायरार्की भी है, कोई कास्ट ऊपर कोई कास्ट नीचे। एंड देन लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जो कास्ट की आपको बता रही है आपको वही करनी पड़ती है। एंड प्रिविलेजेस भी हैं एंड प्रोहिबिशंस भी हैं, कुछ प्रिविलेज है कुछ प्रोहिबिशन है, ये और कर दो यहाँ पर, कुछ प्रिविलेज कुछ प्रोहिबिशन। एंड देन कॉमेंसालिटी, कॉमेंसालिटी मतलब कि आपको खाना खाने की मनाही होती है, कॉमेंसालिटी, ये सोशो का वर्ड है, बड़ा ही खास, प्लीज ध्यान रखना, कॉमेंसालिटी मतलब खाना खाने की मनाही, कि यहाँ खाना खा सकते हैं यहाँ खाना नहीं खा सकते। कॉमन किचन वगैरह कहाँ हो सकती है, जैसे लेट्स से कि हायर कास्ट लोअर कास्ट से फूड नहीं ले सकती, अगर फूड लेना है तो किस तरह का फूड लेना है, ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फूड हायरार्की है कास्ट में, कॉमेंसालिटी, ठीक है। एंड आज भी आप विटनेस करते हो ना, आप एथिक्स में पढ़ते हो केस स्टडी कि हायर कास्ट के एक उसने किसी ने खाना खाने से मना कर दिया लोअर कास्ट वाले से एटसेट्रा एटसेट्रा, अभी भी कॉमेंसालिटी दिमाग में लोगों के बहुत घुसी हुई है। एंड देन उसके बाद मैरिज की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है, तो ये 6 फीचर्स बताते हैं ये कास्ट के, आगे हम दोबारा पढ़ेंगे इसको अगले कुछ चैप्टर्स के बाद। तो इन्होंने क्या बोला कि घोरे का स्पेशल स्ट्रेस क्या है, एंडोगेमी पे, एंडोगेमी मतलब कि विद इन द कास्ट ही मैरिज होती रहती है, उसी के कारण कास्ट सिस्टम के फीचर्स बने हुए हैं, अदरवाइज कहते हैं अगर एक्सोगेमी होती, एक कास्ट दूसरी कास्ट में शादी करती रहती तो कास्ट सिस्टम ऐसे प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता, ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कास्ट हायरार्की भी इसलिए बनी हुई क्योंकि एंडोगेमी है, विद इन द कास्ट ही सिर्फ मैरिजेस होती हैं। देन आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला कास्ट देख लिया आपने, कास्ट के फीचर्स बताए इन्होंने। देन इनका सेकंड जो इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज ऑन ट्राइब्स, तो ट्राइब्स भी इन्होंने महादेव कॉलेज पे काम किया, एंड लिखी किताब जनरल बुक ऑन शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, ओके। देन उसके बाद
ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर इनकी अप्रोच हम ट्राइब के चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकी अप्रोच और वॉरियर एल्विन की अप्रोच में एकदम ठन गई थी, दुश्मनी हो गई थी इनकी। एंड जो जवाहरलाल नेहरू जी वॉज मोर इन फेवर ऑफ फॉलोइंग वॉरियर एल्विन, बट लेकिन घुरे भी बहुत फेमस थे, तो अकॉर्डिंगली घुरे का भी अप्रोच यूज करके कुछ बीच का रास्ता निकाला। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर दोनों की अप्रोच मैं आपको समझाता हूं क्या बिल्कुल बेसिक थी। अब बात देश आजाद हो रहा है और देश आजाद होने के वक्त डिसाइड करना है कि ट्राइब्स का क्या करें, कि ट्राइब्स, अब जो एल्विन है, एल्विन कह रहे हैं कि आप ट्राइब्स को छोड़ दो जैसे वो हैं, उनका कल्चर आपसे बहुत डिफरेंट है, और रादर एल्विन, क्योंकि एल्विन बाहर से आए थे और इनको लगता था कि ट्राइबल जो है वो कहने को आपने बैकवर्ड कह दिया लेकिन बहुत ही एडवांस्ड हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुरी हरकतें नहीं है, लेट्स से कि उनमें कोई जुआ नहीं खेलता, कोई शराब दारू नहीं, जो है सिगरेट नहीं पीता, और उसमें आप कहते हैं कि विमेन को काफ़ी इक्वालिटी मिलती है, जो उनकी जो लैंड सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में बराबरी का है, वहाँ पे कास्ट वगैरह नहीं है, भेदभाव नहीं है, एल्विन कह रहे थे इसलिए ट्राइब्स को मत छेड़ो, ट्राइब्स को आप आइसोलेशन में ही रहने दो। ठीक है, एंड लेकिन अब घुरे कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि कह रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सर बहुत ही पुअर है, क्योंकि जो जो ट्राइब्स हैं ग्रेजुअली अब टच में आ चुके हैं नॉर्मल जो बाहर की सोसाइटी से, एंड ये क्या लिखते हैं, ट्राइब्स भी आइसोलेशन में नहीं रह रहे आजकल, दे आर हिंदुआइज्ड, वो उन्होंने भी हिंदू जो सिस्टम को अपना लिया है एंड हिंदू कल्चर की तरह ही रहते हैं वो। ठीक है, और कहते हैं दे आर नथिंग बट बैकवर्ड कास्ट हिंदूज, तो ये ट्राइब्स को बैकवर्ड कास्ट हिंदूज कहते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि बैकवर्डनेस क्यों आई, क्योंकि अभी इम्परफेक्टली इंटीग्रेटेड है, सरकार को क्या करना चाहिए, उनको टोटली इंटीग्रेट कर देना चाहिए, बैकवर्डनेस भी खत्म हो जाएगी। जैसे वो बोलते हैं संथल्स, भील, गोंड्स वगैरह, ये सभी एग्जांपल्स हैं कि बैकवर्डनेस की, किस तरह से हिंदू सिस्टम की तरह रहते हैं लेकिन बहुत बैकवर्ड है, क्योंकि वो ट्राइबल बैकग्राउंड से आए थे। एंड अदरवाइज एल्विन किताब लिखते हैं लॉस ऑफ नर्व, लॉस ऑफ नर्व कह रहे हैं कि बस अब मेरा से गुस्सा और आगे बहुत दिमाग में पारा चढ़ गया, और क्योंकि आइसोलेशन को आप किस तरह से धिक्कार कर रहे हो, आपको लगता है बहुत एडवांस्ड हो, आपने अस्पताल स्कूल बना दिए, कहते क्या फायदा इसका जब सड़कें गंदी, सब कुछ गंदा और माहौल इतना गंदा हो गया, ट्राइब्स रहते हैं जंगलों में, साफ हवा पानी है इनकी, तो इनको क्यों आप चाहते हो डिस्टर्ब करना। दोनों अपने अपनी जगह सही थे, नेहरू वॉज मोर इन फेवर ऑफ एल्विन अप्रोच कि, लेकिन ग्रेजुअली, लेकिन डिमांड थी कि वहां पर बहुत सारी बीमारियां हैं, होती हैं, उनको उन तक अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, किस तरह से फिर उनको इंटीग्रेट भी करना जरूरी है, तो बीच की अप्रोच निकाली गई थी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ट्राइब के चैप्टर में। एंड देन घुरे, वो एल्विन बोल रहे हैं आइसोलेशन, घुरे बोल रहे हैं एसिमिलेशन, इनको हिंदूज के बीच में ही घुला मिला देना जरूरी हो गया, हिंदू कास्ट के बीच में। ठीक है, और इसीलिए अब अकॉर्डिंगली ये क्या बोलते हैं, घुरे लिखते भी हैं कि ना कि अदरवाइज कहते हैं अगर ऐसा नहीं किया, अगर हमने इनको हिंदू कल्चर में नहीं मिलाया तो इनमें सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, ये देश को तोड़ भी सकते हैं। तो घुरे का ऐसा मानना था, घुरे को नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, कि ये नेशन को एक कॉमन आइडेंटिटी चाहते हैं देना। देन थर्ड वर्क घुरे का, किनशिप फैमिली मैरिज, इन्होंने परिवार शादी वगैरह पे क्या क्या लिखा। ठीक है, ओके, तो अब ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कि जो कास्ट और जो किनशिप है ये काफी क्लोज हैं, क्योंकि जो एक्सोगेमी अगर हो भी रही है, तो यहां पर एक ये वर्ड बदल लीजिए प्लीज, ये एंडो है। ठीक है, एंडो मतलब विद इन, तो वो देखो बात समझने की यहाँ पे ट्राई करो, जो यहाँ पे एक्सो एंडो के बियॉन्ड जाके देखते हैं कि देखो कास्ट एंड किनशिप में किस तरह से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी मैरिज हो रही है, ये क्योंकि ना टाइपिंग में मिस्टेक्स है, तो वो जो कैसे शादियां कैसे हो रही है कि आप इमेजिन करते हो अच्छा ये मेरा परिवार है, ये मेरा कास्ट है, या फिर इसमें आप शादी नहीं करते एंड किसी एक उसमें आप, लेकिन ब्रॉडर कास्ट में शादी करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इसको जो अभी भी बहुत कॉमनली, जैसे आप लेट्स से विटनेस करते हो, आप ने सुना होगा हरियाणा वगैरह में अभी भी, जैसे अगर सिमिलर विलेज में या फिर एक नो डिस्टेंस होता है, वैसे इतने कोस में, एक कोस मतलब एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, इतने कोस में शादी नहीं करनी आपने, क्योंकि यहाँ पर सभी भाई बंधु हैं आपके। ठीक है, सभी भाई बहन हैं, उतने में शादी नहीं करते। एंड लेकिन शादी ऐसा नहीं, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जाट कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी जनरली क्या करते हैं, एंडोगेमी कर रहे हैं। लेट्स से अब उसके बियॉन्ड अगर जाके देखें वैश्य में, बनिया कम्युनिटी एंडोगेमी करते हैं, ब्राह्मिन्स भी मेजरली एंडोगेमी करते हैं, लेकिन विद इन द विलेज वो मैरिज नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, विद इन द विलेज वगैरह क्या हुआ, एक्सोगेमी हो रही है कि वहां शादी नहीं करनी, लेकिन विद इन द कास्ट क्या हो रही है, एंडोगेमी। गेटिंग इट? तो ये जनरली जो रूल फॉलो होता है, विलेज लेवल पे एक्सो होती है एंड
कास्ट लेवल पे एंडो होती है, गेटिंग एंडो इज मतलब विद इन, एक्सो इज मतलब आउटसाइड। तो विलेज में शादी नहीं की जाती, एक्सोगेमी है, एंड कास्ट सिस्टम अगर फॉलो की जाए तो उसके विद इन शादी करेंगे, एंडोगेमी होगी सेम कास्ट में ही, ठीक है। ये बात में किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज आप इसको एक बार दोबारा सुन लीजिए, आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। एंड अब भाई बंधुगिरी क्या है, अब जैसे बोल दिया मान लो 40 कोस बोल दिया, वैसे 24 कोस बोलते हैं हरियाणा में शायद, तो 24 कोस में शादी नहीं होगी, तो 24 कोस में भाई बंधु हैं सारे, तो क्या है वो रियल रियल भाई बंधु हैं या इमेजिनरी? तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल में तो मान लो हो ही नहीं रही, इमेजिनरी में भी नहीं हो रही, 24 कोस तक जितने भी लोग हैं सब आपके भाई बंधु, ओके जी सभी को भाई बंधु बना दिया, इमेजिनरी कर दिया। एंड वो कहते हैं इसीलिए जरूरी नहीं है कि रियल ही हो भाई बंधु गिरी, इमेजिनरी भी चलेगी। एंड उसके बाद तो इसीलिए जो जो सब कास्ट है, कास्ट की जो सब कास्ट आती है उसमें ही आपके भाई बंधु गिरी सारे बैठे हुए, किन्समैन सारे वहीं बैठे हैं, वो किन्समैन मतलब आपके रिश्तेदार सारे वहीं पर ही हैं। एंड इसीलिए कहते हैं तीन तरह की मैरिज और उन पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, कास्ट और किनशिप पे बेसिस पे, एंडोगेमी, एंडोगेमी आपको मैंने बताया कि विद इन द कास्ट करनी है शादी, एक्सोगेमी विद इन द विलेज, एक्सोगेमी होगी विलेज में जो आपकी शादी नहीं होगी। एंड हाइपरगेमी इज, देखो आपने इमेजिन करो ये वाली चीजें क्या हो रही है, एंडो एक्सो, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात हो रही है, अगर आप लेट्स से मॉडर्न शहरों में रहते हो या फिर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, आपको शायद समझने में दिक्कत भी आए तो, लेकिन अदरवाइज आप मान के चलो मेजॉरिटी ऑफ हमारे ट्रेडिशनल अभी जितने भी इलाके हैं विलेजेस वगैरह वहां पर अभी भी फॉलो होते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, ठीक है ओके। एंड देन हाइपरगेमी, हाइपरगेमी क्या होती है कि अब रूल है कि अब जैसे हाइपरगेमी में कि अगर लड़की लोअर कास्ट की है तो वो लेकिन अपर कास्ट में आ सकती है, लेकिन लड़का लोअर कास्ट का अपर कास्ट लड़की से शादी नहीं कर सकता, तो हाइपरगेमी के भी रूल्स हैं कि किस तरह से अगर कास्ट क्रॉस करनी भी है तो लड़का नहीं कर सकता, लड़की कर सकती है एंड लोअर कास्ट की लड़की अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, सप्त सपेंड वगैरह ऐसा बोला जाता है, ठीक है, गोत्र एक्सोगेमी वगैरह। तो ये अगर वर्ड आपको पता हो तो नोट कर लेना, अदरवाइज यू कैन सेफली लीव दीज थिंग्स एज वेल। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक पर आते हैं इसके है, वो है अपना कल्चर, सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल रोल ऑफ सिटीज। याद रखने आपने सारे के सारे 6 टॉपिक जो आपको बता रहा हूं, आंसर आपका जो बनेगा अनपैरेलल बनेगा, कोई किसी के आसपास नहीं होगा, ओके। चौथा बताते हैं कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल रोल ऑफ सिटीज की किस तरह से कल्चर बने, सिविलाइजेशन बनी, हिस्टोरिकल जो सिटीज का क्या क्या रोल था, ये वर्ड क्या लिखते हैं, आपने भी सुना होगा रिसेंटली मोदी जी ने वर्ड यूज किया था ये, है ना, हमारी सरकार ने रर्बन, रर्बन अच्छा एक आर यू एक्स्ट्रा आ गया, रर्बनाइजेशन, रूरल और अर्बनाइजेशन को मिक्स कर दिया रर्बनाइजेशन, वो कह रहे हैं दोनों के फायदे उठाओ, एडवांटेज ऑफ अर्बन भी लो और नेचर की ग्रीनरी का मजा भी लो, तो रर्बन कुछ होना चाहिए हमारे पास, ना ही अर्बन अच्छा ना ही रूरल अच्छा है, तो बीच में। एंड अब ये हिस्टोरिकल रोल ऑफ सिटीज में बहुत ही बढ़िया बात करेंगे, बड़े मजा आएगा सुन के आपको। तो जैसे ये क्या बात करते हैं, कहते हैं कि जैसे आइडियली हुआ क्या करता था, आइडियली हुआ करता कि विलेजेस वर सेंटर्स ऑफ सरप्लस, कि विलेजेस में किसी ने कुछ बनाया एक्स्ट्रा बन गया तो उसको जाके सिटीज में बेच देते थे, सिटीज का रोल क्या हुआ करता, सिटीज वर सेंटर्स ऑफ सरप्लस, सिटीज में सरप्लस जाके बिकता था, सरप्लस को सेल करते थे अब, ठीक है, गाँव में लोगों ने बनाया एक्स्ट्रा बना जाके सिटीज की मार्केट्स में सेल कर दिया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। कहते अंग्रेज लोग आए, कॉलोनाइजर्स आए, कॉलोनाइजर्स ने सब कुछ बदल दिया, कॉलोनाइजर्स ने क्या किया, सिटीज को बना दिया सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे जाएगा बनेगा एक्स्ट्रा, जाके कहां बिकेगा, विलेजेस में बिकेगा, कहते उन्होंने मॉडल ही इन्वर्ट कर दिया। एंड उससे क्या हुआ, सिटीज सरप्लस बना रही है, विलेजेस में बेच रही है, एंड अकॉर्डिंगली विलेजेस में अब आई भुखमरी आनी शुरू हुई, लोगों के पास कुछ जो एक्स्ट्रा तो क्या बना रहे थे, जो उनका बना रहे थे वो भी विलेजेस में नहीं बिक रहा है ना, तो इसीलिए गेटिंग इट कि विलेजेस में काफी ज्यादा इंपोवरिशमेंट शुरू हुई, तो इसलिए बोलते हैं कि सिटीज का रोल ही इन्होंने हिस्टोरिकल जो रोल था वही बदल दिया, और हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा बनता था जो विलेजेस में वो सब अब चला गया, राजा लोग भी चले गए जो कि जो सिटीज में कंज्यूम किया करते थे, जैसे आप इमेजिन करो एग्जाम्पल लिखते हैं मसूलीपट्टनम का, मसूलीपट्टनम और उसके बाद जो बनारस का एग्जाम्पल लिखते हैं एंड श्रृंगेरी वगैरह का, कि किस तरह से ओवरऑल ये सेंटर्स हुआ करते हैं, दे वर ह्यूज मार्केट्स एंड जहां पर आकर लोग विलेजेस में से सामान निकाल कर अपना बेचने आया करते हैं, ओके। देन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सिविलाइजेशन कल्चर में क्या बोलते हैं कि किस तरह से, देखो दो एक तो पहला व्यू क्या है कि कल्चर फैलता कैसे है, पहला वाला इंसान बोलते हैं जो एक व्यू क्या है कि इंडिपेंडेंट है, कि कल्चर इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है विद इन द सोसाइटी या फिर विद इन द कुछ जो कम्युनिटी कुछ आइडियाज आते हैं ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली वो ग्रो करते रहते हैं एंड आपकी सोसाइटी आगे बढ़ती रहती है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको। ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ फर्स्ट के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, कि कोई जो आई जैसे आपके जो कल्चर है, कम्युनिटी कल्चर जो भी है, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है और दुनिया में बाकी जगह क्या हो रहा है उसका कोई इतना खास असर नहीं है, अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से वो चलते रहते हैं। देन दूसरा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वाले में क्या बोलते हैं कि कल्चर जो आपका है वो डिफ्यूजन के थ्रू बढ़ता है, कि कहीं पर कोई सिंगल इन्वेंशन डिस्कवरी हुई वो ग्रेजुअली थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफ्यूज हो ही जाएगी, धीरे धीरे आइडिया पहुंच ही जाएगा। और ओवरऑल घोरे क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया बात बोलते हैं यहाँ पर, कि वो कहते हैं कि इंसान क्या करता है, इंसान प्रिजर्व्स द बेस्ट ऑफ हिज ओल्ड कल्चर, है ना, अपने पुराने का बेस्ट रख लिया और नए वाले का भी कुछ ना कुछ स्पिरिट वगैरह, कुछ ना कुछ जज्बा इन्होंने एक्वायर कर लिया। इंसान कहते हैं ऐसे ही करता है, मैन प्रिजर्व्स बेस्ट ऑफ ओल्ड कल्चर वाइल क्रिएटिंग न्यू, ठीक है। और इसीलिए बेस्ट ऑफ ओन एंड बेस्ट ऑफ अदर्स भी इंसान उठा लेता है, अपना जो बेस्ट और जो दूसरों का बेस्ट अकॉर्डिंगली उठाते हुए सिस्टम क्या चलता है, डिफ्यूजन से आगे आगे बढ़ता रहता है। आपने कुछ अच्छा इन्वेंट किया, बाहर वाले अपना लेंगे, बाहर ने कुछ अच्छा इन्वेंट किया, आप अपना लोगे, है ना, ऐसे चलता रहता है एंड एवोल्यूशन होती रहती है। और इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस बन जाती हैं, जिसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल भी होता है कि कौन सी सिविलाइजेशन कब कहाँ पे कैसे चल रही थी और कैसे उसके जो ओवरऑल, क्योंकि देखो कहते अब ना यहाँ बहुत अच्छी बात क्या बोलते हैं ये, कि वो कहते हैं कि जनरली अब जो कुछ बना लेते हैं यूरोप में, वो कहते हैं और जैसे लेते हैं इंडिया में दिखता है बहुत ज्यादा, जैसे पर्शिया, पर्शिया में कुछ बना और उसका लेकिन जो वर्जन है वो इंडिया में भी पहुंच गया, लेकिन इंडिया ने अपने तरह से चेंज कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए इंडिया यूनिक हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि ना कि मान लो जो अंग्रेज आए कि अच्छा तो पर्शियन भी है, लेकिन आप इंडिया में विटनेस करोगे उसको तो इंडिया में वो वाला जो सेम चीज जो पर्शिया से आई थी यहाँ पे, लेकिन अलग तरह से विटनेस हो रही होगी, वो वैल्यू या फिर वो वाला जो कल्चर, वो सिस्टम जो भी होगा अलग तरह से विटनेस हो रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं इसलिए कल्चर यूनिक भी हो जाते हैं, अपनी तरह से उसको ढाल लेते हैं वो, क्योंकि अपने प्रीवियस पास्ट का भी प्रिजर्व किया हुआ है और कुछ नया भी अपना लिया, ठीक है, ओके। अब इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओवरऑल कास्ट सिस्टम किस तरह से वो एक कल्चरेशन होती रहती है और बाकियों का भी आप समझते रहते हो, बाकियों को जो आपके पास आ रहे हैं रहने, उनको आप अकॉर्डिंगली अपने तरीके समझाते रहते हो, उनसे समझते रहते हो, एक कल्चरेशन हो जाती है, एक दूसरे के कल्चर को आप समझते रहते हो एंड अकॉर्डिंगली खुद को ढालते रहते हो, ठीक है जी। तो अपने पास टॉपिक्स कितने हो गए, अभी तक चार हो गए। पांचवा टॉपिक जो बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट पेपर पूछा था, रिलीजन की, घोड़े के व्यूज क्या है रिलीजन पर। तो वो कहते हैं रिलीजन तो जी सर सेंटर में है कल्चर के हेरिटेज में, और अब यहाँ पर रिलीजन के बारे में क्या बोलते हैं, ये कि सेंटर में तो बता दिया हमने, उसका बोलते हैं कि ना ये इंसान को जो कल्चर को और जो सोसाइटी को मोल्ड भी करता है, डायरेक्ट भी करता है कि किस दिशा में जाएंगे, डायरेक्शन भी देता है। इन्होंने छह किताबें लिखी हैं अपने रिलीजन पर, इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन साधुस, कोट करनी है अपने आंसर्स में अपने, ठीक है, इंडियन साधुस, देन गॉड्स एंड मेन, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, इंडियन एक्यूमुलेशन, वैदिक इंडिया, लेगेसी ऑफ रामायण। ये वाली किताब तो इंडियन साधुस तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते आप। इंडियन साधुस पे थोड़ा सा डिस्कशन भी आगे बढ़ाते हैं। ये किताब लिखी गई, इसमें ओवरऑल जैसे सोशियोलॉजी के हिसाब से ये क्या बताते हैं कि किस तरह से शंकराचार्य ने किस तरह से वेरियस सिटीज बनाई, सेंटर्स बनाए, है ना, अकॉर्डिंगली, और बाकी भी जैसे ना बहुत सारे रिलीजियस फिगर्स को डिस्कस करते हैं ये। अब यहाँ पे लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है, ये बोलते हैं कि जो इंडिया में साधु का बड़ा पैराडॉक्सिकल नेचर है कि जो रेनन्सिएशन मतलब कि जो छोड़ देना, साधु का मतलब क्या हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए तपस्या करने, कहते लेकिन इंडिया में कहते रेनन्सिएशन छोड़ छाड़ के चले जाने का थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है। कैसे पैराडॉक्स कैसे है, कहते अदरवाइज जो साधु या जो सन्यासी है वो क्या सपोज टू है, इट इज सपोज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम ऑल द कास्ट नॉर्म सोशल कन्वेंशन, कि भाई मैं सबसे परे आ गया, मैंने समाज छोड़ दिया, मैं कास्ट वगैरह से मैं ऊपर नीचे नहीं मानता अब, है ना। लेकिन होता क्या है, कहते होता क्या है कि अब साधु शंकराचार्य जी की बात कैसे लिखते हैं ये, कि शंकराचार्य जी के बाद से हिंदू सोसाइटी बहुत ज़्यादा गाइडेड है बाई साधुज, एंड इसीलिए कहते साधु जो इंडिया की सोसाइटी इतनी गाइडेड है, साधु समाज को छोड़कर चले गए, एंड होता क्या है इस चक्कर में लोग इनके पास पहुंच जाते हैं, सर हमें प्लीज हमें गाइड कीजिए, तो साधु दे कम टू रिजाइड एट द टॉप ऑफ द सिस्टम, सबसे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, एंड इसीलिए बोलते हैं बड़ा ही बड़ा पैराडॉक्सिकल सिस्टम है, साधु ने सब कुछ छोड़ दिया एंड हुआ क्या, सिस्टम में सबसे ही ऊपर आके बैठ गए, सबसे टॉप पर साधु के लिए जगह रिजर्व्ड है हमारे समाज में, ठीक है। और जैसे बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट सबकी ऐसे बात करते हैं कि ओवरऑल, एंड यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आर्बिटर्स हैं, आर्बिटर्स मतलब कि जैसे कोई रिलीजियस डिस्प्यूट हो गया कुछ, और जैसे ना कि कोई किसी को पेट्रनाइज करना है या फिर और जैसे रिलीजन पर किसी ने अटैक किया कि आपका रिलीजन तो ऐसा वैसा, तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए कौन रखे हुए हमने, साधुस, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा एक्सप्लेन करते हैं ये, ओके।
इंपॉर्टेंट चीज और, सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। अब ये एक किताब लिखते हैं, जो तीन किताबें हैं उसमें ट्रायोलॉजी है, तीन किताबें हैं, नाम याद रखना, आंसर आपका सबसे जबरदस्त बनेगा। अगेन देखो, मेहनत करोगे तो नंबर मिलेंगे ना आपको, दैट्स व्हाई आपको इतने नाम कैसे याद होंगे, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, ठीक है, एंड क्योंकि बार बार बोल दिया है, बार बार पढ़ा दिया है, पढ़ लिया है तो याद हो जाते हैं। इसीलिए सोशो में पेपर टू में नंबर लेना आसान है, सीधी सीधी बातें हैं और कुछ कुछ चीजें याद करो, आंसर लिखो, बस बन गई बात। ठीक है, किताब कौन सी लिखी इन्होंने, सोशल टेंशन इन इंडिया, देन लिखा विदर इंडिया, देन इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। तीन किताबें लिखी हैं इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट पर और इंटीग्रेशन पर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन पर, कि इंडिया में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन साथ साथ चल रहा है। सॉरी अब अच्छा देखिए वापस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तीन किताबें लिखते हैं और ये क्या बोलते हैं कि ना पांच सोर्सेज हैं, आपने ये पांचों रटने हैं, किसके लिए, पांच सोर्सेज हैं जो कि खतरा बन जाएंगे नेशनल यूनिटी को। इन किताबों की समरी है, एक वो बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम में जो बियॉन्ड है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, जो कास्ट सिस्टम का पार्ट ही नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब, देन बैकवर्ड क्लासेस, कह रहे बैकवर्ड क्लासेस भी ओवरऑल जो आपको लगेगा कि ओवरऑल ये कि जो क्लासेस, मतलब क्लासेस का मतलब क्या हुआ, जो थोड़े से जो लेट्स से गरीब लोग, तो अकॉर्डिंगली देखो आपको ना घोड़े की इमेज ऐसी नहीं बनानी कि एलीट हैं वगैरह। देखो डेफिनेटली ही इज टॉकिंग अबाउट एलिटिज्म एंड ब्राह्मणिज्म अ लॉट अबाउट इट, लेकिन जनरली आपको थोड़ा अकेडमिक रहना है, और घोड़े वाज वन हु एस्टैब्लिश्ड सोशियोलॉजी इन आर कंट्री, तो अकॉर्डिंगली घोड़े को क्रिटिसाइज भी करना है, बहुत लोगों ने किया, एंड रादर अ लॉट ऑफ पीपल मेड देयर करियर आउट ऑफ क्रिटिसाइजिंग घोड़े। तो लेकिन एट द सेम टाइम आपको घोड़े के बारे में सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये पांच पॉइंट्स अकेडमिकली देखो अच्छा बुरा, इसके बियॉन्ड चलते हैं अब। ठीक है, एंड याद करो, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं अल्टीमेटली घोड़े को दे डू नॉट लाइक, बट लेकिन ऐसा कुछ है नहीं लाइक ना करने वाला, और लाइक करना ना करने वाला एकेडमिक है वो, जो उनको दिख रहा है समाज की रियलिटी है, और इसलिए वो बताते रहते हैं। ठीक है, और इसलिए वो काफी रिफ्लेक्टिव है कि रिफ्लेक्ट करते हैं समाज करके, समाज का आईना बन के आते हैं सामने, वो अच्छा लगे तो देख लो, नहीं लग रहा मत देखो, है ना। ओके, तो शेड्यूल्ड कास्ट वो कह रहे हैं, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, मुस्लिम्स कहते हैं क्योंकि वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, एंड देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये पांच चीजें आपको रटी होनी चाहिए कि वो घोड़े ने पांच कौन सी चीजों को बोला है नेशनलिटी के डेंजर। ठीक है, ओके, वो अब सवाल पूछते हैं कि ना फिर उनसे कि भाई इतना कुछ चल रहा है, अगर देश में सभी लोग रह भी रहे हैं एससीज एसटीज बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो लैंग्वेज वाली माइनॉरिटीज हैं तो रह भी रहे हैं, एंड लेकिन कल्चर हमारा देश का जो देश में यूनिटी भी है कैसे, वो कहते हैं कि सर ब्राह्मणिकल एंडेवर्स का ही रिजल्ट है ये, ब्राह्मिन्स ने ही जो देश को जोड़कर रखा हुआ है। कैसे, अब ये बताते हैं, बड़ा सही यहाँ पे आंसर है, श्रीनिवास इसको काउंटर करेंगे एंड श्रीनिवास फेमस हो जाएंगे। तो ब्राह्मणिकल एंडेवर्स में कैसे बोलते हैं ये, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो वन वे फ्लो था ये, ब्राह्मिन्स का वन वे फ्लो, ब्राह्मिन्स ने कल्चर क्रिएट किया एंड ब्राह्मिन्स ने नीचे सबको बोला फॉलो करो। ठीक है, ब्राह्मिन्स ने जो कल्चर बनाया सबने फॉलो किया, लेकिन ब्राह्मिन्स ने खुद कुछ रिसीव नहीं किया कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन वे फ्लो बनाया हुआ था और ब्राह्मिन्स आइडियाज क्रिएट कर करके पूरे समाज को दे रहे हैं, एंड इसी कारण से पूरा समाज उनके आइडियाज को फॉलो करते हुए जुड़ा हुआ है। इनका जो आइडिया क्या है, ब्राह्मणिकल एंडेवर्स मतलब ब्राह्मिन्स के जो जो पूरे जो प्रयास रहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिस्टम हमारा, जो देश का कल्चर 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 में की बात हो रही है, देश का कल्चर काफी यूनिफाइड दिखता है। जैसे मान लो कि हो सकता है कि ना वर्जन्स डिफरेंट हो, रामायण तो लेकिन साउथ में भी है नॉर्थ में भी है, रामायण तो सब जगह फॉलो की जाती है, है ना। ओके, महाभारत वगैरह जो वहां पर भी जैसे अब देखा हो नीचे जो जैसे वहां पर अब बनाए गए चोलास वगैरह के टेम्पल, वहां पर भी अर्जुन की मूर्ति लगी है, नॉर्थ इंडिया में भी अर्जुन की पूजा है वहां पर लगी है कुछ ना कुछ, अकॉर्डिंगली कहते कल्चरल यूनिटी तो ब्राह्मिन्स ने दी है, तो इनका मानना घोड़े का ये वाला है। ओके, देन अब घोड़े के क्रिटिसिज्म भी देख लो, बहुत ही जो स्टैंडर्ड्स है कि कास्ट के पॉइंट देखें बहुत ही ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि घोड़े हिमसेल्फ वाज अ ब्राह्मण, तो उसी तरह से मे बी ना अपब्रिंगिंग वगैरह जैसे आई डोंट नो कैसे है ना, दैट्स एंटायरली अप टू यू टू डिसाइड, तो कि ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्राइब की अगर बात करें तो ये होता है कि इंटीग्रेट कर दो, एसिमिलेट कर दो, कहते बहुत ही वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट है कि जो अपने आप में संभालो, ठीक है कि हम बेटर हैं और ट्राइब अच्छे नहीं है, काफी वैल्यू लोडेड है कि हम खुद को ऑटोमेटिकली आपने वैल्यूएबल बना दिया, बोला हायर वैल्यू पर रख दिया, थोड़ा दिक्कत वाले आर्म्ड चेयर थियरिस्ट की बैठे बैठे थियरीज बनाई जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद एस सी एस टी ओबीसी मुस्लिम्स जो थ्रेट है ये एक्सेप्टेबल नहीं नजर आता, क्योंकि वाइडली पार्टिसिपेट किया उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि ये देश को थ्रेट कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने इतना पार्टिसिपेशन दी है जब ओवरऑल जब फ्रीडम मूवमेंट में, एंड
इंडोलॉजी जो है इंडोलॉजी किताबों में झांक रही है, तो कह रहे कंटेम्प्रेरी जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कौन देखेगा, वो तो फील्ड स्टडी में पता लगेंगे। तो इसीलिए जैसे डोमिनेंट कास्ट हम आगे पढ़ेंगे, संस्कृताइजेशन क्या होती है, ये सब श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट है, ये सब कहते इंडोलॉजी कहाँ समझा पाएगी ये। एंड उसके बाद कहते डिफरेंट, कहते सेम किताबें पढ़ रहे हो आप लोग, आप इंडोलॉजिस्ट लोग, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशन क्यों देते हो। जैसे जो कॉलोनियल वाले बंदे आते हैं, जब वो अंग्रेज शुरू में आए थे देश में इंडिया को जानने, उन्होंने बोला कि देश की हालात तो बहुत ही खराब है और बहुत ही सड़ा हुआ कल्चर है, लेकिन जब नेशनलिस्ट पढ़ते हैं जैसे घुरे वगैरह पढ़ते हैं, कहते बहुत ही यूनिक कल्चर है इंडिया का और बहुत ही एकदम डायनामिक कल्चर है, रंगारंग प्रोग्राम चल रहे हैं देश में, तो कहते ये सेम चीज़ों को स्टडी करके कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, कहते कितना वैल्यू, कितने वैल्यू लोडेड हो आप सब। एंड देन उसके बाद जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो तो वैल्यू प्रेजेंट करते हैं, वैल्यू मतलब कि जैसे कि मान लो कि रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ के कोई बता रहा है कि मान लो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हमें सभी को इकट्ठे रहना चाहिए, परिवार में माता पिता का आदर करना चाहिए एक्सेट्रा, तो कहते वो तो वैल्यू है, ऐसा करना चाहिए, है ना, दैट इज वैल्यूएबल। लेकिन रियलिटी क्या वही थी, रियलिटी कैन बी वेरी डिफरेंट, कि फैक्ट क्या है और वैल्यू क्या है उसमें डिफरेंस हो सकता है ना। तो कहते आप किताबों में तो आप आइडियल सिचुएशन लिखते हो, और क्या सच्चाई थी वो, हु नोज, तो इसीलिए डाउट उठ जाता है उन पे। और इसीलिए कहते हैं आप तो सिर्फ हिंदू कल्चर स्टडी कर रहे हो, आपने बाकी कल्चर कहाँ स्टडी किए, वेयर डिड यू स्टडी मुस्लिम कल्चर, इतना इतना वास्ट हमारे देश की हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री कहाँ स्टडी की आपने, एंड अलॉट ऑफ अदर थिंग्स, है ना। तो अब इंडोलॉजी एंड घोड़े पे हमने एक और लेक्चर बनाया, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, तो एक बार जाकर देख लेना, लेकिन हम दोबारा रिपोस्ट भी कर देंगे आप सबके लिए। तो ये था आप सबके लिए छोटा सा एक लेक्चर घोड़े जी पर, घोड़े जी के वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज एंड घोड़े जी के जो मेजर ओवरऑल स्टडीज, एंड किस तरह से घुरे जी ने किस तरह से डिफरेंटली स्टडी किया इंडोलॉजी को, पर्सपेक्टिव क्या क्या थे इनके, ना मेथोडोलॉजिकल प्लुरलिज्म, थ्योरेटिकल प्लुरलिज्म, तीन तरह से सोचों को कैसे उन्होंने एनरिच किया, और उसके बाद इंडोलॉजी पे दो शब्द भी हमने पढ़े। तो ये हमारा चैप्टर शुरुआत हो गई है। देन अभी नेक्स्ट चैप्टर में, अभी इसी चैप्टर में, क्योंकि देखो ये शुरुआती थिंकर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता है इनमें कहानी, पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इग्नू से हैविली बोरो किया हुआ है, और आप भी इग्नू पढ़ें, लेकिन हम ग्रेजुअली, आपको जैसे पता है कि अपना हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है सोशो का, वहाँ पर भी हम सवाल जवाब के थ्रू आपके क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं एंड थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अगर आप एनरोल करेंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा तो होगा, हमारा फायदा भी होगा, ठीक है। और हमें विल गेट स्टूडेंट्स जो कि अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, दिल गेट अ रैंक, एंड डेफिनेटली ना रैंक आएगा आपको, तो हमारे से फायदा होगा ही होगा। तो ये तो है ही, प्लस आपका फायदा होगा, आपकी जो मेहनत कर रहे हो आप, इतना जो आप टाइम लगा रहे हो, एंड जो इतना जॉब्स नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो, उसकी भी कोई वैल्यू होगी, उसका भी कोई मूल्य पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली विन विन सिचुएशन ही बन जाती है, जैसे पार्सन्स कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन है, तो जीरो सम नहीं है कि या तो आपका फायदा या हमारा फायदा, नहीं, दोनों का फायदा है। तो इसीलिए करो, मेहनत करो, एंड हो सके तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करो, चाहे और सीखो, दैट्स इट। द आइडिया इज टू लर्न, लर्न अ लॉट एंड गैदर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। पेपर में सवाल आए, हमें पेपर के सवाल से डरना नहीं होगा, एंड पेपर के सवाल से डरे बिना हमें किस तरह से बेस्ट अटेम्प्ट करना है, 7 वो 8 मिनट जो हमें मिलेंगे उसमें हमें बेस्ट वहां पे स्ट्रक्चर लगाकर हमें समझाना है एग्जामिनर को कि सर, एग्जामिनर सर देखिए ये स्ट्रक्चर बनता है, मुझे यही कहानी पता है, आपको बात समझ आ जानी चाहिए, और स्ट्रक्चर में आंसर करते हो तो बात समझ आ जाती है। जनरली आप किसी को अपनी बात समझा दो ना, ऑटोमेटिकली सामने वाला चांसेस बढ़ जाते हैं कन्विंस होने के, चाहे आप थोड़ा सा उल्टा भी कुछ बोल रहे हो। तो इसलिए स्ट्रक्चर में बताना सबसे पहले जरूरी है, स्ट्रक्चर में बनाना हम सीख भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, श्रीनिवास जी को कवर करेंगे एंड देन देसाई जी को, शुरू के लेक्चर हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम डेप्थ बढ़ाएंगे भी ग्रेजुअली, लेकिन पेपर टू में हम डेप्थ का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पेपर वन में भी नहीं किया हमने, हमने एक एक चीज को जाके तह में जाके जाना है। और इसीलिए आप इसको प्लीज इंटरनलाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, रिवाइज करते रहिए, चीजें दिमाग में बैठती हैं। एंड बाकी हमारी जो बहुत सारी वेबसाइट्स ये वो सब कुछ आपके सामने यहाँ लगा हुआ है, विजिट कीजिए ना, डेफिनेटली वाइन टू विजिटिंग इट। तो हम यहाँ पे सब कुछ आपके साथ जो लगाते भी जा रहे हैं, पीडीएफ वगैरह बिल्कुल अप टू डेट करते जा रहे हैं प्रोसेस। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, सभी इन सब चीजों के बारे में और जानेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, ठीक है, बाय।